राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई अभी इस समय हम लखनऊ में, लखनऊ की लगभग 100-150 गाड़ियां यहां खड़ी हैं। तो चलो दिखा दें आप लोगों को, कानपुर की गाड़ियां 100-150 यहां लखनऊ में एयरपोर्ट के पास में खड़ी हैं। आगे पीछे जिधर भी देखेंगे भाई, हालांकि बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, फिर भी काफ़ी गाड़ियाँ नज़र आएंगी। बात भाई वीडियो बना रहे हैं कि ओला उबर में या ऐप बेस्ड कंपनी में गाड़ी चला के पेट्रोल गाड़ी बचत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आज ये वही गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर VXI गाड़ी है, जिसको हम वीडियो काफ़ी दिन से बनाने लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं बन पा रहा था। आज वो गाड़ी एक्चुअल में भाई आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो वीडियो बना दिया जाए, आज बनाया तो नहीं। पहले तो हम गाड़ी आपको दिखाते हैं, ठीक है। बाहर से भाई बारिश हो रही, बाहर से नहीं दिखा पाऊंगा, अंदर देख लो। ये VXI मॉडल गाड़ी है, कंपनी फिटिंग है, ये कंपनी लगाया था, एक्सेसरीज का पार्ट है, सेंसर है, तो कंपनी का है। अच्छा कंपनी का है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले है नहीं, बैक कैमरा इसमें लगा नहीं है, है ना? आना भी नहीं चाहते बिना। ये जो है कंट्रोल है अपना म्यूजिक प्लेयर का, है ना, कुछ इस तरह का भाई मीटर होता है VXI में। तो गाड़ी भाई कितनी चल रही है ऑन करना? 1,16,000। ये देखो भाई ओरिजिनल रीडिंग है, ये भाई ने बैक नहीं करवाई रीडिंग है, 1,16,555 ये रीडिंग है भाई, देख सकते हो। इसमें कहीं भी CNG का इंडिकेटर नहीं है, तो ना ही यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं भी CNG का। कंपनी फिट होती है तो डिस्प्ले पे ही डबल मीटर होते हैं, एक पेट्रोल का होता है और एक CNG का होता है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल की है भाई, तो ऐसे मीटर है, VXI मॉडल है। अच्छा भाई ये बताना, ये मॉडल कौन सा है अपना? 2019 स्विफ्ट डिजायर। और ये प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट बाद में आपने कमर्शियल करवाया है, तो कमर्शियल का विचार कहाँ से आया कि नई गाड़ी लें या इसी को कमर्शियल करवाए, कुछ सोचा होगा तुमने? पहले ये गाड़ी मेरे पास थी तो हम सोच रहे थे कि ये गाड़ी नई लाए थे तो घर में प्राइवेट यूज के लिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि नई गाड़ी ली जाए, तो सबने बताया कि नई गाड़ी का लोग इसी में कमर्शियल करा लो और यही चलती रहेगी। सही है, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। इसमें पैसे कितने लगे कमर्शियल कराने? पैसा लगा था 35,000 रुपए लगा था। अच्छा 35,000 रुपए, जबकि गाड़ी अपनी थी, एक्सेसरीज बिल कंप्लीट थी, मतलब इसमें सिर्फ तुम्हें कमर्शियल करवाना था। हाँ। और सारा कुछ ओके था इसमें? ओके था। कमर्शियल करवाने में 35,000 रुपए का लगा भाई। हाँ। उसके बाद ये कमर्शियल करवा लिए और ओला उबर में चला रहे हैं। कितने दिन हो गए गाड़ी चलाते हुए, ये कितने साल या कितने महीने? 1.5 साल हो गया चलाते भाई, 1.5 साल ओला उबर में चला रहे हैं। उसके पहले चलाते थे प्राइवेट गाड़ी, तो प्राइवेट गाड़ी में कितनी चलाई होगी? कितने गाड़ी हमने बहुत ज्यादा चलाई होगी, तो 30-35,000 गाड़ी चलाई होगी। 2019 से निकाल के लाए थे, सन 2022 तक मैंने घर पे खड़ी रही, 22 तक। हाँ। मतलब 3 सालों में 30,000 चलाई और 22 में कमर्शियल करवाए, अब 24 चल रहा है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। अब ये 1,00,000 को क्रॉस कर चुकी है, कुल मिला के 80-90,000 कमर्शियल पे चला चुके हैं और पेट्रोल में ही, क्योंकि CNG का स्किन का उनके पास ऑप्शन ही नहीं। वीडियो भाई मैं बना सकता था, लेकिन ना हमने कहा नहीं भाई, अवनीश भाई के मुंह जवानी सुनाएंगे आप लोगों को कि नहीं भाई पेट्रोल गाड़ी पे भी बचत होती है। अच्छा ये बताओ, हमारी गाड़ी जिसे हम CNG पे चलाते हैं, तो हमारी गाड़ी का खर्चा आता है, हमारा पुराना वाला मॉडल है भाई, 3-4 रुपए प्रति किलोमीटर खर्चा आता है। आपकी गाड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी है, पेट्रोल पे चलाते हो तो क्या माइलेज देती है? मेरी गाड़ी का माइलेज है वैसे अभी गर्मियों में 20 का दे देती है, 18-20 का पेट्रोल पे। हाँ, लोकल पे या हाईवे पे? क्या हाईवे पे, आउट स्टेशन नहीं चलाते हम, लोकल चलाते नहीं। अच्छा भाई लोकल नहीं चलाते, आउट स्टेशन चलाते, 18-20 का माइलेज इस समय गर्मियों में देती है, और सर्दियों में 23-24 तक पहुंच जाती है, 23-24 का माइलेज निकाल लेती है। जो इनके पास गाड़ियां होंगी जानते होंगे, CNG चलाते होंगे तब भी भाई माइलेज इस समय डाउन आता है, और पेट्रोल से चलाते हैं इस पे भी असर पड़ता है, इस पे भी माइलेज डाउन होता है। और बाकी सेम आप लोगों के जैसे CNG का है वैसे। अच्छा प्रति रुपए किलोमीटर खर्चा कितना आता है? 5 रुपए आता है किलोमीटर भाई, 5 रुपए किलोमीटर पे खर्चा आता है, और जो है हम लोगों की 3-4 रुपए आता है, इनका 5 रुपए आता है। हालांकि हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो 5-6 रुपए प्रति किलोमीटर पे खर्चा आता है, क्योंकि उसका माइलेज कम है, इसका माइलेज ज्यादा है। ये नए मॉडल का है, नई टेक्नोलॉजी है, हमारी पुराने मॉडल की है। पेट्रोल में टेक्नोलॉजी, पेट्रोल में एक चीज ये रहती है, जैसे मान चलिए आप कहीं दूर जा रहे हैं, एक बार टैंक फुल करा लिया उसके बाद कोई झंझट नहीं की भाई, फायदे तो है पेट्रोल के, वहाँ इधर तक ना पड़ता है ना CNG में कि यहाँ पे मिलेगी कि आगे मिलेगी, और
मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसमें वो टेंशन नहीं है भाई। ये तो एक है, कुछ बार भरा लो, फायदे तो हैं भाई। भाई सीएनजी गाड़ी के जैसे अपने फायदे हैं कि पॉकेट मनी थोड़ा सा बचा के रखती है, पेट्रोल में पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसकी सुविधाएं मिलती है। सुविधाएं ये जैसे कस्टमर बैठे हैं, एक बार सीएनजी भरा ली, दिल्ली दाब दिया भाई। अब हमें सीएनजी गाड़ी दिल्ली में लेके जाना है तो भाई लगभग दो जगह तो हमें सीएनजी गाड़ी भरानी ही पड़ेगी, पता नहीं कितनी लाइन लगी हो सीएनजी में कितनी नहीं, उससे कस्टमर भी नाराज होता है। नाराज होता है, हम तो दोस्त की गाड़ी से गए हैं कहीं घूमने, तो सीएनजी वाली एक एक घंटे लाइन लग के गए हैं, तब भरी है सीएनजी। तो भाई ये देख लो पेट्रोल में क्या है कि एक बार भरा लो और बस सीधा छोड़ो, दोबारा जैसे हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से दोबारा आगरा फिरोजाबाद तक आ जाते हैं, तब मतलब यहाँ से भराई तो भाई दिल्ली गए, दिल्ली से वापसी फिरोजाबाद आगरा तक आ जाते हैं, उसके बाद 12-13 सौ का डलवा लो, कानपुर आराम से आ जाती है। तो भाई कुल मिला के पेट्रोल गाड़ी के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि भाई बता रहा है सीएनजी के अपने फायदे हैं। पेट्रोल में एक फायदा और है भाई कि इसमें डिग्गी मिल जाती है, डिग्गी खाली है, सीएनजी गाड़ी में डिग्गी खत्म हो जाती है, कैरियर की जरूरत नहीं है कि कैरियर लगा, हाँ इसमें लगेज कैरियर छत में जो हम लोग बांधते हैं छत में, इसमें बांधने की जरूरत नहीं क्योंकि इतनी बड़ी डिग्गी दी गई है। हालांकि डिग्गी भी अभी हम दिखाएंगे लास्ट में, जो है डिग्गी का भी जो है आपको भी थोड़ा सा दिखाएंगे क्योंकि वो भी दिखा, इसमें एक तो स्पेस अच्छा होता है, देखिए आप इतना आगे, हाँ लेग स्पेस तो भाई बहुत है, देखो ये पीछे देखिए स्पेस, अगर हम आगे बढ़ा के नहीं, तो नहीं, नहीं ये तो मॉडल के हिसाब से, अगर सीएनजी गाड़ी भी हम लेते हैं नए मॉडल वाले तो वही यही स्पेस मिलेगा। थोड़ी चाबी चालू करना यार, तो भाई ये आप देख सकते हो कि पेट्रोल पे भाई गाड़ी चला रहा है और पेट्रोल में भी अच्छा खासा बचत हो जाता है, और उसके फायदे भी है कि कस्टमर आपसे नाराज नहीं होगा क्योंकि आप बार बार गाड़ी रोकोगे नहीं सीएनजी के लिए, इसलिए कस्टमर भी आपका बना रहेगा, और सीएनजी में आपका सीएनजी टैंक पीछे रहता नहीं इसलिए पूरी डिग्गी आपको मिलेगी, बूट स्पेस जिसको बोलते हैं फुल आपको मिलेगा, ऊपर लगेज बांधने की जरूरत नहीं है, आप अपना डिग्गी में आराम से ढेर सारा सामान रख सकते हो। और बकाया भाई मेंटेनेंस में लगभग हमारा आपको बराबर खर्चा आता होगा, हाँ मेंटेनेंस का तो बराबर, मेंटेनेंस में 19-20 है क्योंकि सीएनजी काम कंपनी फिटेंस लेने के बाद 1-1.5 लाख किलोमीटर आराम चलती है, 1-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद इंजेक्टर काम आता है और सीएनजी का फिल्टर चेंज कराया जाता है, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा काम निकलने लगता है, लेकिन 1-1.5 लाख किलोमीटर आराम चल सकते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें तो बस खाली पेट्रोल डलाओ चलाओ सर्विस करा लो। अच्छा सर्विस अभी तुमने कुछ दिन पहले करवाई 3000 में हो गई थी, 3000 में सर्विस हो गई, हालांकि हम लोगों की भी 3000-3500 में हो जाती है, लेकिन कभी कभी जब सीएनजी के इंजेक्टर खराब होते हैं भाई तो वो महंगे आते हैं, 15-20 हज़ार रुपए का उसमें खर्चा आ जाता है, और 12-1300 रुपए का सीएनजी का फिल्टर आता है जो कि हम लोगों को 50-60-70 हज़ार या 1 लाख किलोमीटर पर चेंज कराना होता है। तो ये कुछ खर्चे हैं, मतलब अपनी सीएनजी गाड़ी से भी ये मेंटेनेंस में सस्ती है ऐसा कह सकते हो। हाँ अगर जब हम गाड़ी चलाएंगे रन करेंगे तो इसका ₹2 किलोमीटर इसका महंगा है, और सीएनजी गाड़ी का पिकअप में भी फर्क आता है, हाँ पिकअप भी इस गाड़ी में भाई ने पिकअप डाउन मारेंगे तो इसमें क्या है कि आप अगर दूसरा लगा रहे तो आप उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, तो भाई हम अपनी बराबर स्पीड पे रहेंगे, तो भाई ये देखने वाली बात है कि इसमें जो है पिकअप अच्छा रहता है। अच्छा इसमें एक घाटा है क्योंकि VXI मॉडल लिया है, भारत सरकार का यह नियम है कि भाई टैक्सी परमिट गाड़ी है आपकी तो 80 से ज्यादा मतलब स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, 80 से ऊपर नहीं भागनी चाहिए, अगर वो स्पीड गवर्नर लगा नहीं था तो वो ऐसे ही चल लेगा भाई, नहीं लगवा क्योंकि कंपनी ने लगा के दिया नहीं, VXI में देता भी नहीं है, ऐसे ही चला रहे हैं हम, तो इसे कहेंगे भाई सर्टिफिकेट बनवा लो, स्पीड गवर्नर लगवा लो, ज़्यादा नहीं खर्चा आता, बहुत कम में हो जाता है, तो ये कुछ हिसाब किताब है भाई। अब दोस्त का फोन आया इससे बाद में बात करेंगे, फिलहाल वीडियो बना लें भाई, और ये देखो फैन लगाया हुआ है, हालांकि अभी चालू नहीं किया है, जब कभी रात में अकेले में भाई लेटता है तो चालू कर लेता है, और इसमें बैटरी भी है जो कि आधा घंटा चल जाती है, तो ये भाई कुछ हिसाब किताब है, ये चार्जिंग पॉइंट से ही कनेक्ट कर रखा है, उसी से चलती है, इससे क्या है कि भाई अगर एक नंबर पे एसी चला के फैन चालू कर देगा तो प्रॉपर वर्किंग करता, 2-3 नंबर में कहीं नहीं जरूरत नहीं, कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, 1 नंबर पे ही आपकी कूलिंग करेगी इस पंखे की बदौलत, क्योंकि जितनी भी ठंडी हवा एसी से निकलेगी ना फैन से वो ये फैन गजेट के सीधा पीछे मारेगा जो है, तो आगे तो वैसे भी ठंडा बना रहता है लेकिन पीछे वाले कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि भैया पीछे हवा नहीं आ रहा है, पीछे कूलिंग नहीं कर रही है, 2 नंबर से 3 नंबर पे कर दो, 3 नंबर से 4 नंबर पे कर दो, तो ये झंझट भी कुल मिला के खत्म हो जाता है। बका 1-1.25 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है, तो अभी कोई 2-3 लाख किलोमीटर की गाड़ियों कैपेसिटी होती है, पेट्रोल गाड़ी है तो ये हो सकता है 4 लाख किलोमीटर भी चल जाए, हम लोग सीएनजी गाड़ी भी 2.5-3 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है बगैर इंजन खुले, इसका 1-1.5 लाख किलोमीटर ज़्यादा ही चलेगा,
एक बार जरा डिग्गी खोलना, डिग्गी दिखा के मैं आता हूँ, तुम यहीं बैठना। ठीक है, यहीं से डिग्गी का लॉक खोल लो बस। चलो तो भाई आ जाओ, आ जाओ। अच्छा चलो, बूट स्पेस दिखाते हैं भाई इस गाड़ी का। ये देखो कितना सारा है भाई। अब यहाँ तक तो हम लोगों में सीएनजी लग जाती है भाई, तो इतनी जगह बचती है एक बिलकता की। तो कुल मिला के ये कुछ जगह है भाई जबरदस्त वाली। आराम से बड़े बड़े दो तीन ट्रॉली बैग इसमें आ जाते हैं। एक बार जरा बोनट खोलना आगे का, इंजन का भी आपको दिखा दें भाई। तो चले जाओ। ये भाई पेट्रोल इंजन है, इसमें सीएनजी लगी होती है, सीएनजी किट लगी होती है भाई। यहाँ पे सीएनजी का जो है मीटर देते हैं और किट वगैरह लगी होती है, जो कि पेट्रोल गाड़ी है तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, एकदम सीधा सादा एकदम सिंपल सा है। बंद कर दो अवनीश भाई, आ जाओ दो मिनट के लिए। ये इसका ये सब चेंज है, चेंज का कंपनी इसे देती है भाई। मतलब हम लोग के हिसाब से चेंज है, हम लोग तो अलग है। अपना पुराना मॉडल है ना, नए मॉडल में यही दे रही है। हाँ टूर भी ले होगे तब भी खाली किट लगी होगी बस। तो ये भाई हैं, आ जाते भाई, दोस्त को बार बार फोन आ रहा है, इसको कहाँ बताएं। चलो इससे बाद में बात करेंगे, आ जाओ भाई फटाफट। कुछ एक दो चीजें और आपको जानकारी दे दें कि जो भाई अगर जो पेट्रोल में लेकर भी चलाना चाहता है उसको आप बजट नहीं सीएनजी लगाना, क्योंकि सीएनजी लगवाने का खर्चा और आरटीओ में पास कराने का खर्चा लगभग 40-50 हज़ार रुपये लग जाते हैं, फिर सीएनजी लग पाती और आरटीओ में चढ़ पाती है। आप चाहें तो पेट्रोल में लेके भी कुछ पैसे अर्निंग किए जा सकते हैं, जैसे कि भाई करता है। अच्छा ये बताओ, मतलब 125 किलोमीटर तो पेट्रोल से आप चला चुके हो, सीएनजी लगवाने का मूड है या ऐसे ही चलाते रहोगे? सीएनजी मूड कोई नहीं भाई, सीएनजी भाई नहीं लगवाएगा। गाड़ी जब चेंज करेंगे तभी भले सीएनजी वाली ले, नहीं तो बाकी यही गाड़ी चलाएंगे, यही गाड़ी चलाएंगे। तो भाई समझ में आ गया होगा, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।